नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देश की खास खबरें। आईएसआईएस साजिश केस में महाराष्ट्र कर्नाटक में एनआईए की छापेमारी, 40 से ज्यादा जगहों पर तलाशी, महाराष्ट्र में 13 लोग गिरफ्तार। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर टॉप पर, लगातार तीसरी बार 76% रेटिंग मिली। आदित्य L1 ने खींची सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें, टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर यूज किए। अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, बीजेपी विधायक टी राजा बोले, जब तक जिंदा हूं उनके सामने शपथ नहीं लूंगा। श्रीनगर में तापमान 0 से 4.6 डिग्री नीचे, मौसम की सबसे सर्द रात। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। उदयपुर में पुलिस को धक्का देकर चोरी का आरोपी फरार, व्यापारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। उदयपुर के गर्ल्स हॉस्टल में घुसा तेंदुआ, 5 घंटे बाद पकड़ में आया, दहशत में रही छात्राएं। राजस्थान को मिला बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग अवार्ड। गुरुग्राम में चोरों ने 20 लाख रुपए लूटने के बाद एटीएम में आग लगाई। आइए अब नजर डालते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरों पर। सनी देओल आयुष्मान खुराना की बॉर्डर 2 की शूटिंग 2024 में शुरू होगी। एनिमल बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ए सर्टिफाइड फिल्म, 7 दिनों में देश में 338 और ग्लोबली 563 करोड़ रुपए कमाए। आइए अब देखते हैं खेल जगत की खास खबरें। संजय बांगर को पंजाब किंग्स का क्रिकेट विकास प्रमुख नियुक्त किया गया। क्रिस गेल प्रीमियम विंडीज के कप्तान, श्रीसंत प्रीमियम इंडियंस के कप्तान होंगे। आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरों पर। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। निफ्टी में 3 साल में सबसे लंबी साप्ताहिक बढ़त। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। गाजा की सबसे पुरानी मस्जिद पर इजरायली हमला, क्लासरूम के नीचे मिली सुरंग। इराक के अरबिल प्रांत में इमारत में आग लगने से 14 लोगों की मौत। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही प्ले स्टोर से जाकर हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।